हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। गढ़ी सांपला किलोई से विधायक और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 14वीं विधानसभा सत्र के दौरान पद और गोपनीयता की शपथ ली है, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में अपनी बात रखी। सबसे पहले उन्होंने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को बधाई दी और नवनिर्वाचित विधायकों को सदन में जिम्मेदारी से बात रखने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी भूमिका निभाएंगे और हम हर समस्या का समाधान भी करेंगे। मैं भी आपको हार्दिक बधाई देता हूं सर्वसम्मति से जो आपको चुना है और आपका कार्य देखा है। पिछली टर्म में आप हमारे साथ थे और इसी वास्ते आपका नाम तो ज्ञानचंद है, लेकिन हमने आपको ज्ञानी ज्ञानचंद रख रखा था नाम, कि आप वाकई ज्ञानी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो ये आपका पद है स्पीकर का पद बहुत जिम्मेवारी का पद और इस सदन की गरिमा को कायम रखना सबसे ज्यादा मुख्य जिम्मेदारी आपकी। आज विपक्ष का जनादेश दिया है मेरी पार्टी को, मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी आपको हार्दिक बधाई देता हूं और आपको भी और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो विपक्ष का होगा खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे, हम विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव रोल करेंगे और बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में देखे जाते हैं, उसमें सब हम मिलजुल कर इसका समाधान करेंगे। सभी से आग्रह यह है कि हाउस में कोई भी बात कहें बड़ी जिम्मेवारी से कहें, पूरी तैयारी से कहें और कोई जैसा कहा मुख्यमंत्री जी ने कोई अपनी जबान से कोई लूज वर्ड ना निकालें। बहुत सारी बातें हैं, मजाक करने की तो बहुत बातें हैं, हिस्ट्री रिपीट्स, मैं तो आखिर में कहूंगा कि कभी वहां कभी यहां, लेकिन हिस्ट्री रिपीट करती है। जहां तक मेरा है सवाल, ये रिपीट करती है, मैं पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बनता हूँ फिर वहां जाता हूँ। पिछली बार भी